अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, अब मैं आपको बताऊंगी अबाउट मिस्टर डेंटिस्ट। तो हम थोड़ी सी इसकी बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान से है, कुछ भी नहीं है इसमें। और ये बेसिकली अगर एक तरह से मैं बताऊँ तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्रॉनिक सेपरेटिव राइटिस मीडिया, ठीक है जी, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो होता क्या है जी, आपका मेस्टेडाइटिस, नाम से पता चल रहा है कि मेस्टॉइड की इन्फ्लेमेशन, ठीक है, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन और मेस्टॉइड मतलब मेस्टॉइड की, तो आपका जो मेस्टॉइड पोर्शन है उसकी इन्फ्लेमेशन। लेकिन नहीं, इतना सिंपल नहीं है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली हम कब किसी कंडीशन को मेस्टॉइडाइटिस लेबल करते हैं, ठीक है जी। अब आपका जो एक्यूट सेपरेटिव या क्रॉनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया कोई भी अगर होते हैं, जो आपका सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया है, जब उसमें आपको पता है मिडिल ईयर में इन्फेक्शन होता है, तो हमने कहा है कि हमेशा ये जो हमारा सारा पोर्शन है, जिसमें हम हमेशा कहते हैं कि ये मिडिल ईयर कैविटी है सपोज, ठीक है, यहाँ पर से एक रास्ता जा रहा है विच इज एडिटस, और ये आपका एंट्रम और सारा मेस्टॉइड का पोर्शन, और यहाँ से ये स्टेशन ट्यूब जाती है। ये मैं आपको हमेशा एक पिक्चर बना के बताती हूँ, जिससे मैंने मिडिल ईयर क्लेफ्ट कहा है। तो सीन ये है कि मैंने आपको बताया हुआ कि जब भी मिडिल ईयर का इन्फेक्शन होता है, सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया होता है, तो हमेशा वो एडिटस के थ्रू एंट्रम में आ चुका होता है, ठीक है, तकरीबन ऑलमोस्ट हमेशा ही, ठीक है। लेकिन हम उसे मेस्टॉइडाइटिस नहीं कहते, मेस्टॉइडाइटिस हमने तब कहना है, तभी सिर्फ इस्तेमाल करना है जबकि जो इन्फेक्शन है वो ना सिर्फ मेस्टॉइड एयर सेल्स में रहे, यहाँ पर मेस्टॉइड एयर सेल्स प्रेजेंट है पता है ना आपको, वो सिर्फ इधर नहीं बल्कि जो लाइनिंग है ना सारे मेस्टॉइड की, यानी जो बोनी लाइनिंग है, बोन है जो, जब उसमें भी इन्फेक्शन फैल जाए, जब बोनी लाइनिंग को भी इन्वेड कर जाए, जो म्यूकोजा है, जो बोनी लाइनिंग है, ठीक है, उसको चला वहाँ तक चला जाए, बोन का इन्वेश जो उसकी पेरिफेरल बोन है वो भी साथ शामिल हो जाए, तब हम कहेंगे कि अब ये मेस्टॉइडाइटिस हो गया, ठीक है जी। ये बात आपने याद रखनी है कि खाली अगर मेस्टॉइड एयर सेल्स में पस प्रेजेंट है, ये क्लाउडिनेस है, तो उसे हम मेस्टॉइडाइटिस नहीं कहते। अगर बोनी लाइनिंग इन्वॉल्व हो जाएगी, जो बाहर की तरफ पेरिफेरल बोन है मेस्टॉइड एंट्रम की, तो हम कहेंगे कि दिस इज नाउ एक्यूट मेस्टॉइडाइटिस। ये मैं आपको बेसिकली एक्यूट मेस्टॉइडाइटिस बताऊंगी। फिर एक मास्क्ड मेस्टॉइडाइटिस होता है, जिसमें हमें पता नहीं चलता कि मेस्टॉइडाइटिस हुआ है या नहीं हुआ, क्लियर कट पिक्चर नहीं होती, तो वो अलग वीडियो में बताऊंगी। दिस इज डिटेल, अब जो अब आगे मैं बताती जाऊंगी वो एक्यूट मेस्टॉइडाइटिस की होगी। अच्छा, ये तो होगी डेफिनेशन। अब कॉज क्या है इसकी, कॉज यही हमारा जो सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया है। आपको पता है अब सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया यानी जो हमारा ये मिडिल ईयर का इन्फेक्शन है, ये तो बहुत सारे बंदों को होता है, लेकिन मेस्टेडाइटिस हर किसी को नहीं होता। तो फिर मेस्टेडाइटिस क्यों होता है भला, इसके कुछ होते हैं कि रिस्क फैक्टर पे जो लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा होगा। रिस्क फैक्टर पे कौन लोग होते हैं, लो इम्यूनिटी वाले लोग, ठीक है, या फिर जो ऑर्गेनिज्म है उसकी विरुलेंस ज़्यादा थी, या फिर ऑर्गेनिज्म ने बॉडी में जाकर रेजिस्टेंस पैदा कर ली थी जिस भी ऑर्गेनिज्म ने मिडिल ईयर इन्फेक्शन किया, ठीक है जी, ये बातें हो सकती हैं, या फिर न्यूट्रिशन ठीक नहीं थी बंदे की, या उसको कोई भी ऐसी और बीमारी थी जिसकी वजह से उसकी ये बीमारी रिजॉल्व नहीं हो पा रही। मतलब बेसिकली रिस्क फैक्टर पे होना इस पेशेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो बैक्टीरिया मेनली अफेक्टेड है, वही हमारा बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस जो है ना, जो आपने पढ़ा हुआ है अपनी माइक्रो में, बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ये जो आपका मेन कॉजिटिव एजेंट होता है, और बहुत और भी हो सकते हैं लेकिन दिस इज द मेन वन। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसकी पैथोलॉजी पे। बहुत आसान सी है लेकिन आपने इसको याद रखना है, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। कहानी ये होती है कि हमारे पास दो प्रोसेसेस चल रहे हैं, एक तो पस थी जो यहाँ पर आपको पता है कि बन रही थी, यही पस इन्वेड करके हमारे मिडल ये सारे मेस्टॉइड एयर सेल्स में आ गई थी, और यही पस की प्रोडक्शन। अब मेस्टॉइड एयर सेल्स आपको पता है कि कितने ज़्यादा एयर सेल्स हैं, बीच में जगह कितनी ज़्यादा है, तो वहाँ पर पस प्रोडक्शन ना बैक्टीरिया की बहुत आसान हो जाती है, बहुत इंक्रीज़ हो जाती है अगर उसे कोई रोके ना। तो यहाँ पर एक तो पस प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी, तो जो पहला आपका प्रोडक्ट जो प्रोसीजर है पैथोलॉजी का, वो ही है इंक्रीज्ड पस प्रोडक्शन, ठीक है जी, पस प्रोडक्शन आपकी बढ़ गई। अब ये जब पस बढ़ती जा रही, जाहिर है ये फैलेगी तो ये इसकी लाइनिंग्स तक भी आएगी। अब आपको पता है कि किसी भी जगह जब इन्फ्लेमेशन होती है, ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो रहा होता है ना बॉडी का उसके रिस्पॉन्स में, जिसमें पस बन रही होती है, तो उसमें हमेशा वेसल्स की डायलेशन होती है, डायलेटेशन होती है, आपकी जितनी भी वेसल्स होती हैं ब्लड वेसल्स वो डायलेट कर जाती हैं। जब वेसल्स किसी एरिया की डायलेट कर जाती हैं तो उस एरिया में हो जाता है हाइपरीमिया, उसको हम कहते हैं हाइपरीमिया हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमारे पास ये जो पस थी वो बोनी वॉल्स तक आ गई, बोन को जब उसने इन्वेड किया और उस पर प्रेशर डाला, दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, हमारे पास जो इधर ब्लड आके सप्लाई कर रही है, जो ब्लड वेसल्स उनमें भी डायलेशन हुई हुई, वो भी हाइपरीमिया हुआ है उनमें, वो भी प्रेशर डाल रही हैं, दोनों के मिल के प्रेशर डालना बोन पे, और बोन होगी डीकैल्सिफाई, ठीक है, बोनों बोन में से कैल्शियम निकलना शुरू हो गया, तो बोन की डीकैल्सिफिकेशन होगी। तो हमारे पास जो दूसरा दूसरा प्रोसेस है वो होता है हाइपरीमिक डीकैल्सिफिकेशन। बस आपने ये दो बातें याद रखनी है और लंबी चौड़ी कहानियों को भूल जाना, ठीक है जी। एक पस प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है अंडर टेंशन, और दूसरा हाइपरीमिक डीकैल्सिफिकेशन, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ द बोन भी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। अब फीचर्स बेसिकली वही हैं जो नॉर्मल सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया के होते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा इन्हांस्ड है। किस तरह से,
पेन पहले भी हो रही थी लेकिन अब पेन सेटल नहीं हो रही विद नॉर्मल एंटीबायोटिक्स। फीवर एंटीबायोटिक लेने के बावजूद सेटल नहीं हो रहा। डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा प्यूरुलेंट है, प्यूरुलेंस इंक्रीज हो गई, पसी डिस्चार्ज ज़्यादा हो गया पेशेंट के कान में से। ठीक है, अगर आप उसको, आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था कि 6 महीने इज़ द कट ऑफ वैल्यू फॉर द एक्यूट और क्रॉनिक सेपरेटिव टाइटस मीडिया। ठीक है, ये बात होगी पहले हमारी, 6 महीने से ज़्यादा होगा तो वो क्रॉनिक होगा, और 6 महीने से कम की हिस्ट्री होगी तो एक्यूट होगा। अब अगर आपने एक बात इधर याद रखनी, एमसीक्यू में आती है कि अगर कोई भी पेशेंट 3 वीक्स की हिस्ट्री से ज़्यादा, ठीक है, अगर वो कहे कि मुझे 3 हफ्ते से कान में से डिस्चार्ज हो रहा है, 3 वीक नॉट मंथ्स, ठीक है, 3 वीक में उसे क्या होगा, एक्यूट सेपरेटिव टाइटस मीडिया हुआ हुआ होगा। ठीक है, एक्यूट सेपरेटिव टाइटस मीडिया की हिस्ट्री इस तरह से वो देखे, मुझे 3 हफ्तों से कान गीला रहता है और पस ये आ रही है और आप देखें तो आपको मिलेगी, तो आपने हमेशा देख इसकी तरफ जाना है कि वो यकीनन मेस्टरडाइटिस होगा, बिकॉज एक्यूट सेपरेटिव टाइटस मीडिया में कभी भी पस जो है वो इतनी लंबी नहीं रहती, वो एक दफ़ा निकल जाए तो वो बार बार नहीं बनती इतनी ज़्यादा जिस तरह वो 3 हफ्ते तक हो रहे। तो 3 हफ्ते का होगा तो आपने मेस्टरडाइटिस की तरफ ज़रूर जाना है। तो 3 हफ्ते और मेस्टरडाइटिस, ये ना आपका एमसीक्यू आता है, आपने इस पर ध्यान देना है। ठीक है जी, ओके। फिर यह तो आ गया जो पेशेंट ने बताया। अब आपके जो साइंस है जो आपको नजर आएंगे, सबसे पहले मेस्टॉइड एरिया, जाहिर सी बात है वहाँ अंदर इन्फ्लेमेशन हुई, आप बाहर से टच करेंगे टेंडर होगा जो कान के पीछे वाला एरिया होता है, आप कान में देखेंगे आपको भी डिस्चार्ज नजर आएगा जो मोस्टली प्यूरुलेंट होगा। ठीक है जी, और ये जो डिस्चार्ज है ना, आपने याद रखना है पल्सेटाइल इफेक्ट, पेशेंट को जब कहीं भी किसी कैविटी, ये आपकी जो मेस्टॉइड एरिया है सारा, ये भी कैविटी है ना, एक क्लोज कैविटी है जाहिर सी बात है, अब जब ये इरोड हो रहा है और पस इधर बंद है और वो थोड़ी थोड़ी करके किसी तरह इस कैविटी से निकल रही है, हो सकता है ना भी निकल रही हो, जो हमारी अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर्ड होगी तो निकलेगी, हो सकता है ना भी निकल रही हो, लेकिन निकलती होती है, मेस्टरडाइटिस में हमेशा पस आ रही होती है पेशेंट की। तो मतलब जब पस इस जगह पर बंद है आपका जो मेस्टॉइड एरिया है डब्बा एक पूरा, तो वो किसी तरह कहती है कि मुझे जल्दी से जल्दी बाहर निकलूँ मैं कहीं इधर से, तो आपको जो पेन हमेशा पेशेंट बताते हैं वो पल्सेटाइल नेचर का धड़के मारता हुआ दर्द होता है। ठीक है, जब पस किसी भी जगह पर अंदर होती है तो आपने याद रखना है कि उसको हम कहते हैं लाइट हाउस इफेक्ट, जो पल्सेटाइल नेचर ऑफ पेन है ना, उसे लाइट हाउस इफेक्ट इधर का है, जिसका भी एमसीक्यू आ जाता होता है। फिर हमारे पास, अब आप खुद सोचें कि पस की वजह से क्या हुआ है कि ये सारा एरिया इरोड हो गया है, ये पूरी की पूरी जो एयर सेल्स थे जिसमें पहले पूरे प्रेजेंट, वो अब सिंगल कैविटी बन गई है। ठीक है जी, अब जब वो सिंगल कैविटी बन गई है तो जो पोस्टीरियर हमारी, अगर ये पूरी एक सपोज करें ऐसे करके, मैं कहता हूँ ये पूरी मेरी थी एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल और ये है एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल की पोस्टीरियर वॉल। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल की बात कर रही हूँ, यहाँ पर पड़ा हुआ था मेरा मेस्टॉइड का एरिया, इसी जगह पर कहीं होता है यहाँ पर ऐसे करके। अब मेस्टॉइड का एरिया पीछे पहले अच्छे खासे एयर सेल्स वाला था, बोन थी, अब वो सारी डिस्ट्रॉय हो गई, खाली हो गया, तो जो पोस्टीरियर वाली वॉल थी इसको पीछे से मेस्टॉइड ने सपोर्ट किया हुआ था, वो सपोर्ट जब जा रहा है तो पोस्टीरियर वॉल आपको सैग करती हुई नजर आएगी, लाइक उतनी स्टिफ नहीं होगी, तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि सैगिंग ऑफ द पोस्टीरियर मेटल वॉल हो जाती है। ठीक है, अच्छा, फिर कभी कभी किसी पेशेंट की स्वेलिंग भी हो सकती है मेस्टॉइड एरिया में ड्यू टू द ऑफ कोर्स पस वगैरह में। हेयरिंग लॉस, आपको हमेशा मैंने बताया कि इस एरिया तक, मतलब जो आपका इनर ईयर से पहले पहले हेयरिंग लॉस होगा वो कंडक्टिव टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस प्रेजेंट होगा पेशेंट में, और पेशेंट जाहिर आपको बीमार और फीवर के साथ और इस किस्म का नजर आएगा। ट्रीटमेंट आपने इसमें क्या करनी है, सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन, आपने इसमें ब्लड काउंट कराने हैं पेशेंट का, ताकि चेक कर लें इन्फ्लेमेशन की कन्फर्मेशन हो जाती है, और एक्सरे या सीटी स्कैन जो है ना मेस्टॉइड एरिया का ज़रूर कराते होते हैं। ठीक है, ये इसका लाजमी है, और ईयर स्वैब की कल्चर सेंसिटिविटी इसलिए करा लें ताकि आपको बैक्टीरिया पता चल जाए। देन ट्रीटमेंट, इसमें आपका पहला रूल है हॉस्पिटलाइज द पेशेंट, आपने पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किए बगैर कोई काम नहीं करना। अगर पेशेंट मेस्टोडाइटिस के साथ आता है, एक्यूट मेस्टोडाइटिस के साथ, तो हॉस्पिटलाइज इट फॉरन, ठीक है, हिम और हर। उसके बाद ऑफकोर्स एंटीबायोटिक्स से पहले आप स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक कल्चर जो आपका कल्चर सेंसिटिविटी पे आएंगी, बिकॉज आप पहले एक जनरल एंटीबायोटिक हो सकते हैं पेशेंट ले रहा हो लेकिन उसे आराम नहीं आ रहा, तो कल्चर सेंसिटिविटी लाजमी करा लेना है। उसके दूसरी बात, अगर पस अंदर टेंशन में है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुई भी, तो आपने सबसे पहले तो पस को रप्चर कर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को रप्चर करके पस बाहर निकालनी है, तो आपने करनी है मेरिंगोटमी, जिसका मैं आपको बता चुकी हूँ, और फिर आपने मेस्टॉइड एरिया से पस निकालने के लिए करनी है मेस्टॉइडेक्टमी। मेस्टॉइडेक्टमी के मैंने आपको सारी टाइप्स भी बताई हुई है एक वीडियो में, तो इसमें आपने कॉर्टिकल जो है वो मोस्ट सूटेबल होती है अगर आपका मेडिसिन से ठीक नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले आपने मेडिसिन से ही ठीक करने की कोशिश करनी है, एंटीबायोटिक्स से नॉर्मली जब स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स मिलते हैं तो रिजॉल्व कर जाते हैं, अगर नहीं करता तो आपने इस हद तक आना है कि आपको मेस्टेडेक्टोमी करनी पड़े, वरना नहीं करनी। ठीक है, और मेस्टेडेक्टोमी क्या होती है मैं आपको बता चुकी हूँ पहले वीडियोज़ में, तो इसलिए अब मैं रिपीट ही करूँगी, ये मेस्टेडाइटिस इतना ही है। ठीक है, अभी मैं एब्सेसिस इसकी और जो मास्क मेस्टेडाइटिस है वो अलग में बताती हूँ। कोई क्वेरी हो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, कोई भी वीडियो आपको चाहिए यू कैन आस्क मी एनी टाइम, कोई बात ना समझ आए यू कैन आस्क मी। थैंक यू।